बाढ़ सागर का पानी मजमुआ शाखा नहर में चालू कराने के लिए कांग्रेस से बदल के 153 गांवों की सोन कलश पद यात्रा व किसान सम्मेलन भरजोना से बीर सिंहपुर तक 28 फरवरी से 7 मार्च तक आयोजित हो। इस संबंध में शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए कांग्रेस से बदल के जिला अध्यक्ष बरवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस से बदल के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश हरवंश सिंह, राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल, चित्रकूट विधायक नीलांशु चतुर्वेदी, सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और रैगांव विधायक कल्पना वर्मा होंगे। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजाराम त्रिपाठी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिलीप मिश्रा और शहर अध्यक्ष मकसूद अहमद मौजूद रहेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान मकसूद अहमद ने कहा कि बाढ़ सागर परियोजना की मजगुआ शाखा तहसील रघुराज नगर और मजगुआ के 153 गांवों के लिए जाती है। इस नहर का कार्य 7 वर्ष से बंद पड़ा है, जिससे किसानों की फसलें सिंचित नहीं हो पा रही। इसको चालू कराने के लिए कई बार ज्ञापन तथा धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। कलश यात्रा का कार्यक्रम भरजुना देवी जी के मंदिर से 28 फरवरी को प्रारंभ हो रहा है, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हरिवंश रजनीश जी, सांसद राजमणि सिंह जी और हमारे तीनों विधायक नीलांशु चतुर्वेदी जी, कल्पना वर्मा जी और सिद्धार्थ कुशवाहा जी और साथ साथ हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी इसी वजह के साथ उस यात्रा में शामिल होंगे। और ये लोग ये यात्रा यहाँ से निकाल करके 153 गाँवों से इसको पानी को जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं और 7 मार्च को ये बिरसिंहपुर में गैरीनाथ के पास जो है मंदिर के पास ये यात्रा समाप्त होगी और वहाँ पर जो है तो जनता की और किसानों की जो मांगे हैं उसको प्रशासन तक पहुँचा करके और इस बात का निवेदन किया जाएगा कि शीघ्र उसको मांग पूरा करें। अगर मांग पूरा नहीं करेंगे तो आगे की रणनीति हमारे सेवा दल के साथ ही और कांग्रेस के साथ ही मिलकर के बना करके एक बड़ा आंदोलन फिर सतना जिले में किया जाएगा। कांग्रेस के नेतृत्व की पूर्णतः इच्छा ये है कि जनता के मुद्दों को लेकर के हम सरकार के साथ उनकी पैरवी करें और उनकी समस्याओं को रखें। इधर लगभग 15 साल से हम लोगों को इस बात का आश्वासन दिया जा रहा है कि इन 153 गांवों में जल्दी से जल्दी पानी आ जाएगा। किसानों को आश्वासन देकर के उनके खेतों पर जाकर के खोद दिया गया है, उनको कृषि कार्य से वंचित किया जा रहा है और जो कृषि वो कर रहे थे वो कृषि भी बंद हो गई है। सिंचाई के नाम पर उनको एक पैसे की मुआवजा नहीं दिया गया है और इस कारण हम लोगों ने कई एक बार बाहुपुर में अनशन किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार बहरी हो गई है, सुन नहीं रही है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या है कि जनता के लिए और किसानों के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहती है। कांग्रेस से बदल के हमारे साथियों ने ये जो निर्णय लिया है, निश्चित रूप से ये एक ऐसा निर्णय होगा कि जनता को जागरूक करेगा और जनता को उसके अधिकारों के साथ साथ सरकार को भी इस बात के लिए सचेत करेगा कि आपको जनहित के काम करने ही होंगे।